अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो पंजाब बोर्ड्स के फर्स्ट ईयर क्लास के रिवाइज शेड्यूल के बारे में है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलर स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर क्लास में रिवाइज शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की नई तारीख क्या होगी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज के मतलब जानना और अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपके इलम में है कि पहले जारी होने वाले रजिस्ट्रेशन शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन फीस बराए जमात फर्स्ट ईयर बगैर लेट फीस जमा करवाने की तारीख 25 सितंबर 2020 तक 9 नवंबर 2020 मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन फर्स्ट ईयर की रेगुलर क्लासेस कोरोना की वजह से लेट शुरू होने की वजह से अब ये तारीख 17 नवंबर 2020 तक मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह एडमिशन फीस बराए जमात फर्स्ट ईयर 500 रुपए लेट फीस पर स्टूडेंट के साथ जमा करवाने की तारीख 2 दिसंबर 2020 मुकर्रर कर दी गई है। नीज पंजाब बोर्ड चेयरमैन कमेटी के मुताबिक दर्ज बाला तारीखों के बाद किसी भी अदारे को इनरोलमेंट की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।